अब हम इस अध्याय के प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो इस अध्याय के प्रश्नावली में पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखे। तो इसमें क्या है, सही विकल्प चुनना है और उसका कारण भी बताना है। और उसमें क्या बताना है, पहला प्रश्न क्या है, जैसे कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो ये इसमें देखो 5 प्रश्न है टोटल। पहला प्रश्न में इसके अंदर ही कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न। तो इन 5ों प्रश्नों में जो जो इन क्वेश्चनों में कहा गया है हमें वो निकालना है इसमें। तो इसी तरह से एक और है देखो, प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 भी देख लेते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी समझाइए। तो इसमें देखो प्रश्न क्रमांक 2 में कितने हैं, ए बी सी डी ई, 5 दिया हुआ। इन 5ों में से चुनकर हमें एक को लिखना है। जो एक क्या है, जो समांतर श्रेणी है, उसको हमें क्या करना है यहाँ पे, इसमें चुनना है इन 4ों में। मतलब ये भी एक प्रकार से वैकल्पित क्या है, प्रश्न है। तो वैकल्पित प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न जो है, ये जो आगे जो हम प्रश्न बनाएंगे उससे रिलेटेड होगा। और अगर अभी से मैं इस प्रश्न के सारे सोल्यूशन बताते जाऊंगा तो इसमें क्या है, अभी से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग बना लेना। हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 से। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 है, समांतर श्रेणी 9, 5, 1, -3 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद क्या है, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है। हल, हम स्टार्ट करते हैं हल। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है समांतर श्रेणी में। तो जो श्रेणी है उसमें देखो, समांतर श्रेणी में 9, 5, 1 और क्या है, -3 दिया है। तो इनमें देखो पहला पद क्या हो गया हमारा, प्रथम पद। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद क्या हो गया हमारे पास, प्रथम पद हो गया 9। और ले लेते हैं द्वितीय पद, चलो 2 पदों तक लेते हैं, द्वितीय पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या है हमारा, द्वितीय पद है 5। तो ये प्रथम पद 9 और द्वितीय पद 5। फिर लिखना चाहो तो आप तृतीय पद भी लिख सकते हो, चतुर्थी लिख सकते हो, लेकिन उनकी जरूरत इसमें जो है सॉल्यूशन करने के लिए हमें तृतीय और चतुर्थ पद की जरूरत नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद को लेंगे। तो प्रथम पद हमारा 9 और द्वितीय पद हमारा 5। अब क्या करेंगे, सर्वांतर ज्ञात करेंगे, सर्वांतर। तो सर्वांतर ज्ञात करते हैं, तो सर्वांतर का सूत्र क्या है, इसे डी से दर्शाते हैं। ठीक है, सर्वांतर को किससे दर्शाते हैं, डी से। तो इसमें क्या रखेंगे हम लोग, द्वितीय पद मतलब b-a, ये सूत्र है b-a। तो इसमें हम इन मानों को रख देंगे। तो ये b हो गया द्वितीय पद और ये हो गया प्रथम पद, या फिर ऐसे लिख सकते हो, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कौन सा है हमारा, देखो अभी हमने द्वितीय पद का मान रखा है, द्वितीय पद है 5। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो सूत्र में ही माइनस लगा है, यहाँ भी देखो सूत्र माइनस, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, माइनस लगाएंगे। उसके बाद प्रथम पद क्या है हमारा, देखो ए का मान या फिर प्रथम पद, तो प्रथम पद है हमारा 9 है। तो ये हो गया, फिर आगे हल कर दो इसको। 5 देखो इसमें ये प्लस संख्या है, ये माइनस है, और माइनस वाला संख्या क्या, बड़ा है। तो ये प्लस और माइनस का क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा तो कितना होगा, घटने पर 4 आएगा। अब बताओ 4 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस संख्या बड़ा है, जो संख्या बड़ा होता है उसके चिन्ह को भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये माइनस बड़ा था, तो ये आ गया हमारा डी का मान। तो डी बराबर कितना प्राप्त हो गया, -4। अब क्या करेंगे, अब सूत्र लेंगे। सूत्र कौन सा सूत्र लगाएंगे, समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, या फिर उसे कह सकते हैं हम लोग समांतर श्रेणी का सूत्र। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिख लो समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। मैं यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ, क्या ज्ञात करने का, एनवा पद। तो एनवा पद, ठीक है, समांतर श्रेणी का एनवा पद का सूत्र क्या है, ए प्लस n-1 d, यह है समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। तो अभी अब देखो हमारे पास क्या, a का मान है। अब उसके बाद देखो क्या हमारे पास d का मान है,
और देखो क्या हमारे पास एन का मान है। तो जो जो मान यहाँ पे दिया है, हमने जो जो मान यहाँ पे है उन मानों को यहाँ पे रखते जाओ। तो देखो ए का मान, ए के मान कहाँ पे है, यहाँ पे। चलो प्रथम पद मतलब क्या है, ए का मान है, तो ए का मान यहाँ पे रख दो 9। उसके बाद प्लस लिया, यहाँ पे सूत्र में प्लस लगा दो। एन का मान कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। चलो एन का मान है, सॉरी एन का मान यहाँ पे दिया हुआ है, 10वां पद ही ज्ञात करना है। तो 10वां पद क्या है, एन का मान है। तो अब देखो एन का मान क्या दिया है, हाँ दिया है, क्योंकि 10वां पद का मान दिया है। तो 10 लिख लो यहाँ पे, एन बराबर 10, फिर -1। और डी का मान क्या दिया है, देखो डी का मान दिया है कि नहीं, यहाँ पे देखो डी बराबर कितना है, -4। तो ये हो गया डी का मान। अब आगे इसको और हल कर लो, तो ये 9 हो गया। इसमें देखो 10 में एक घट गया तो कितना है, 9, और ये क्या है, -4। फिर आगे हल करो, ये 9 और ये कितना हो गया, 9 चौक 36। और देखो ये प्लस है और माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। गुणा होने पर, प्लस और माइनस का गुणा होने पर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 9 चौक 36 ये हो गया। अब घटा दो तो कितना आएगा, इसमें 9 घटेगा तो 27, और प्लस में आएगा कि माइनस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि माइनस संख्या क्या है, देखो बड़ा है, तो ये माइनस में आएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः समांतर, अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना है, -27 है। ये क्या है, हमारा आंसर है, जो 27 आया ये हमारा आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न में आते हैं। तो अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 100, 70, 40 का क्या ज्ञात करना है, हमें 40वां पद ज्ञात करना है। तो 40वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अभी हमने तीसरा प्रश्न बताया, सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, इसको भी हल करना है। फिर आते हैं पांचवा प्रश्न में। पांचवा प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी में दिया है 1/9, 4/9, 7/9 का क्या ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात करना है। इसमें भी क्या ज्ञात करना है, एनवा। देखो कहीं पे अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि कहीं पे 10वां पद ज्ञात करना है या फिर एनवा पद, तो या तो 10 लिखो या तो एन लिखो, मतलब एनवा ज्ञात करने के लिए कहा है, तो आप एन लिखो। एनवा पद में मतलब क्या लिखना है, एन की जगह एन ही रहेगा। और 10वां पद में क्या हो गया, जैसे अभी 10वां पद लिखे तो एन की जगह क्या है, 10 आ गया। अगर मान लो जैसे चौथा प्रश्न है, तो एन की जगह में क्या है, 40वां पद का है, तो एन की जगह में क्या हो जाएगा, 40वां हो जाएगा। तो जो चीज याद करने के लिए कहा गया उसको हम एन की जगह में लिखेंगे, एन का है तो हम एन लिखेंगे। उसके बाद क्या है, पूरा हल क्या होगा, सेम टू सेम जैसे हमने तीसरा को किया वैसे ही ये भी हल होगा। तो पांचवा भी कैसे हल होगा, तीसरा की ही तरह होगा। तो आप इसको हल कर लेना। फिर आते हैं छठवां में। छठवां में भी एम क्या पद ज्ञात करने के लिए कहा गया, एम वा पद। और छठवां प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी 950, 900 और 800 कितना दिया है, 50 का क्या ज्ञात करना है, हमें एम वा पद ज्ञात करना है। एम वा पद मतलब जहां पे एन रहेगा वहां पे अब हमें क्या लिखना है, बस एम लिखना है। तो ये हो जाएगा, एन की जगह एम लिखेंगे तो क्या करेंगे, क्या ज्ञात हो जाएगा हमारा, एम वा पद ज्ञात हो जाएगा। तो ये भी कैसे बनेगा, सेम तीसरा की तरह बनेगा। अब हम आते हैं सातवां प्रश्न में। सातवां प्रश्न क्या कहा गया है, सातवां प्रश्न में कहा गया है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 218। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पदों की संख्या ज्ञात करना है जस्ट उल्टा, जैसे हमने तीसरा को बनाया तो हमने क्या ज्ञात किया, एनवा पद, मतलब एल का मान प्राप्त किए थे। अब क्या करेंगे उससे, अब हम क्या प्राप्त करेंगे, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पे लिखते हैं हल। अब यहां पे देखो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद या फिर उसे कह लो ए, ठीक है, ए से भी दर्शा सकते हैं। प्रथम पद है 8, फिर द्वितीय पद ले लो, द्वितीय पद को 20 से दर्शा रहे हैं हम लोग, तो द्वितीय पद को क्या माने, 15। इसी तरह से और क्या दिया हुआ है, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद, चलो पहले, हाँ ठीक है, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद को एल से दर्शा रहे हैं, अंतिम पद है 218। ये है।
अब देखो हम क्या करेंगे, सर्वांतर यहाँ पे दिया है, नहीं तो हम सर्वांतर पहले निकाल देते हैं। सर्वांतर ठीक है, सर्वांतर अब हम निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर को इससे दर्शाएंगे डी से, तो ये क्या होता है बी माइनस ए, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो बी का मान कितना है देखो 15 और प्रथम पद का मान कितना है 8, घटा दो कितना आएगा डी का मान, तो डी बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 7। ठीक है, डी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 7। तो इस तरह से हमने डी का मान भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र? सूत्र वही है जो एनवा पद के लिए हमने जो सूत्र लगाया था, उसी सूत्र को क्या करना है यहाँ भी हमें लगाना है। तो यहाँ भी लगा दो एनवा पद का सूत्र, तो यहाँ भी हो गया सूत्र, और क्या लगाएंगे एनवा पद का सूत्र। तो यहाँ पे लिख देते हैं एनवा पद का सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, यह है एनवा पद का सूत्र। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे, तो जो एल का मान दिया है उस एन की जगह में यहाँ पे देखो अब एनवा पद है, तो ये वाला बराबर के पहले क्या कर लेंगे एल लगा देंगे। इस पर हमेशा जब भी एल रखेंगे, एल का मान दिया रहेगा तो कहाँ रखना है यहाँ पे। उसके बाद क्या है देखो, ए का मान दिया है क्या, एन का मान दिया है क्या, डी का मान दिया है क्या, तो जो मान दिया है उसको रखते जाओ। तो देखो यहाँ पे ए का मान कहाँ पे है, ए का मान यहाँ पे देखो, ए का मान दिया है, फिर ए का मान यहाँ से रख लो। क्या एन का मान दिया है यहाँ पे, देखो एन का मान दिया है, नहीं दिया है, क्योंकि कोई भी पद नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है कि हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें पदों की संख्या। तो मतलब कोई भी पद नहीं दिया, ना तो 10 पद का है ना तो एन का है, तो हमें क्या करना है उस पद की संख्या ज्ञात करना है कि ये जो जो 218 आया है वो कौन से पद में। अगर हम इस प्रकार से जैसे क्रम को बढ़ाते जाएं, प्रश्न में जो दिया है, प्रश्न एक बार और पढ़ लो, 8 15 22 ये दिया है, इसी तरह से हम अगर हम पद को बढ़ाते जाएं तो ये कौन से स्थान में बैठेगा, मतलब 218 जो है इसी तरह से बढ़ते हुए जाते जाएगा, तो किस स्थान में बैठेगा उस स्थान को हमें निकालना है। तो यहाँ पे एन का मान नहीं दिया है तो एन माइनस वन लिखो, और डी का मान दिया है क्या, हाँ डी का मान दिया है 7, तो यहाँ पे 7 रख लो। फिर आगे हल करो, एल का मान कितना है, एल यहाँ पे मैं लिखा तो एल का मान आ गया था 218, तो हम रख लेते हैं 218। उसके बाद यहाँ पे फिर आगे हल करो तो ये 8 हो गया, इस 7 का दोनों के साथ गुणा कर दो तो ये हो गया 7n और -7। अब देखो ये 7 प्लस है और माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस घट जाएगा, तो कितना होगा 1, और ये 218, और यहाँ पे कितना हो गया 7n, ये प्लस में रखो तो ये हो गया 218। अब आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया देखो यहाँ पे 218 है, इक्वल के बाद 1 है, फिर प्लस 7n है, तो ये 1 क्या है इस पार है तो इस पार ला लें, तो कितना हो जाएगा 217 12 7n। फिर आगे इसको और हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कि 7, और ये देखो n जो है वो क्या होगा, n जो है यहाँ पे n के साथ गुणा है तो n वा पद ज्ञात करेंगे, तो n को अकेले करेंगे और ये 7 कहाँ पे आ जाएगा नीचे में आ जाएगा, उस पार से इस पार आके नीचे में गया, गुणा के रूप में आ गया, और ये हो गया n। अब आगे हल करते हैं, फिर हल कर दो, ये हो गया 7 × 7 = 14, 7 × 21, 3 बार में 21 कट गया, फिर ये कितने बार में कटा 7 × 7 एक बार में, तो इसको हम 31 बार में काट दिए और 7 × 1, और बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये हो गया 31 बार। तो n बराबर कितना आ गया 31, तो n बराबर 31 मतलब पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या 31। यहाँ पे लिखो अतः 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 समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 31 है, ये हो गया समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 31 है। तो एनवा पद हमें प्राप्त हो गया, एनवा पद क्या निकल रहा है हमारा 31। के बाद हम आते हैं 8वां प्रश्न में, और हमारा 8वां प्रश्न है 27 24 21 का कौन सा पद शून्य है। अब हमें बताना है इसमें शून्य पद, तो ये कैसे बनेगा, सेम जैसे हमने बाकी क्वेश्चनों को बनाया है
उसी तरह से वो ये भी क्या बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा जैसे तीसरा को हमने बनाया है, सेम तीसरा जैसे ही ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो आप तीसरा जैसे इसको भी हल कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। यदि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 99 पदों का अंतर 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा? तो हमें पद कौन सा ज्ञात करना है, 999 पद को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे क्या कहे, यदि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, मतलब क्या सर्वांतर क्या रहेगा, दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे क्या हमें श्रेणी दिया हुआ है कि नहीं, ध्यान से देखो श्रेणी नहीं दिया है प्रश्न में, कोई श्रेणी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे श्रेणी, श्रेणी मानेंगे। तो श्रेणी क्या मान सकते हैं, तो देखो दो श्रेणी बोला गया है, तो हम यहाँ पे लेते हैं हल। अब दो श्रेणी बोला है तो एक को ए बी और सी ऐसे मान सकते हैं डॉट 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 करके, और क्या है उसका 99 पद कौन सा दिया, देखो 99 पदों का अंतर कितना है 99, मतलब इसका पद के 99 पद का अंतर क्या निकला 99, इतना ही है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा भी मान सकते हैं, दूसरा क्या होगा ए बी सी और फिर डॉट 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 करके 99, दोनों पद क्या हो गए, दो श्रेणी बोला गया है, तो हम इस तरह से दो श्रेणी मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी 99 पद का अंतर 99, यहाँ भी 99 पद का अंतर 99। तो अब यहाँ पे देखो प्रथम पद द्वितीय पद क्या है, प्रथम पद को मान लेते हैं, अब क्या मानेंगे ए, प्रथम पद हमारा आ गया ए। अब द्वितीय पद क्या रहेगा, अब भाई प्रथम पद है तो द्वितीय पद भी आएगा, तो द्वितीय पद भी लिख लो, चलो द्वितीय पद कितना आ गया बी आ गया, प्रथम पद ए द्वितीय पद बी। अब सार्वांतर निकालना है इसका, सार्वांतर ठीक है, सार्वांतर निकालते हैं, तो सार्वांतर को इससे दर्शाते हैं डी से, तो ये हो गया सार्वांतर। अब ध्यान दो जब प्रथम पद बराबर है और द्वितीय पद मतलब दोनों श्रेणियों का सर्वांतर कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो समान है समान होना चाहिए, तो हम सर्वांतर कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए ऐसे करके सर्वांतर निकालते हैं, तो बी माइनस ए करेंगे तो सर्वांतर आएगा। तो अब हम एक चीज देखो यहाँ पे हमने पहले से ए प्रथम पद को माना है और ये बी का भी अभी कोई महत्व नहीं है, ठीक है, बी को हमने माना तो है, द्वितीय पद भी ले लिए पर बी का भी कोई महत्व नहीं है। तो देखो पहले से हमारे पास संख्या में क्या है, ए है, तो सॉरी संख्या बोलता हूँ, अल्फाबेट में क्या है, ए है, तो अब अल्फाबेट में तो आ चुका है, तो सार्वांतर में क्या है, समान है बोल रहा है, तो सार्वांतर को कुछ न कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे प्रश्न में कि सार्वांतर को संख्या में मानो, इसका अर्थ है सार्वांतर को संख्या की मानो। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक दो ए बी सी है, तो यहाँ पे मैं इसी को बता रहा हूँ, तो ये एक दो और तीन हो सकता है, जब हम ए बी सी मान सकते हैं तो हम इसको एक दो तीन भी तो मान सकते हैं ना, तो मान लो एक दो तीन सार्वांतर के लिए, ये क्या है ये हमारे प्रश्न के लिए और ये क्या है सार्वांतर के लिए मानते हैं हम लोग। अब मान रहे हैं दूसरा पद सार्वांतर के लिए, ठीक है सार्वांतर के लिए मान लिए, तो एक दो तीन सार्वांतर के लिए बी सी माने, तो अब मान लग लो बी का मान कितना आ गया दो, बी माइनस ए कर लो तो ए का मान एक, तो कितना आ गया सार्वांतर एक, तो हमने सार्वांतर को क्या माना, अब ये वाला संख्या सार्वांतर के लिए मान लिए, और जो श्रेणी माना उसमें क्या माना ए बी सी, ए बी सी श्रेणी के लिए है और सार्वांतर के लिए एक दो तीन माने। अब क्या करना है, हमें 99 पद का अंतर दिया हुआ है, अब हमें देखो यहाँ पे 99 पद यहाँ पे लिखेंगे 99 पद, इसका अंतर कितना है 99, मतलब ये क्या है 99 एल का मान है जो दिया है, ये 99 पद का अंतर एल का मान है, और ज्ञात क्या करना है हमें 999 पद ज्ञात करना है, क्या इसका मान दिया है नहीं, तो इसमें भी क्या निकालना है इसके पद के मान को निकालना है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए के मान को निकालेंगे, हमारे पास देखो सर्वांतर का मान एक आ चुका है लेकिन हमारे पास क्या ए का मान है नहीं है, तो हम क्या करेंगे ए का मान ज्ञात करेंगे, ए के मान किसके लिए ज्ञात करेंगे, इस 99 पद के साथ, तो हल कर लो आगे बढ़ते हैं।
निन्यानवे पद, 99 पद, और क्या है प्रश्न सूत्र क्या है, ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो देखो 99 पद क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे देखो 99 पद का मान 99, मतलब एल का मान दिया है, यही से एल के मान कहते हैं। अगर कोई पद का मान दिया हो 99 पद तो उसे एल बोलते हैं। तो इसको इस पार रखते हैं, देखो यहाँ पे रख दिया। अब क्या है ए का मान क्या दिया है, नहीं हमें इसी को ही ज्ञात करना है। और एन का मान दिया है, हाँ ये देखो 99 पद है, ये एल का मान हो गया और ये पदों की संख्या, तो इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो गया, ये 99 आ गया, 99 माइनस 1। और डी का मान कितना है देखो, यहाँ से 1 रख दो। अब इसको आगे और हल करो, ये हो गया 99 ए, और इन दोनों देखो ये 98 हो गया, 98 गुणित 1 करने पर कितना होता है, डायरेक्ट हल कर दो, 98 गुणित 1 98 कम 98, तो सिर्फ कितना आ गया 98, ये हो गया। अब इस 99 के पास देखो ये प्लस में है, तो इस बार आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये ए। फिर आगे हल करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 99 में 98 घट गया तो कितना आया 1, तो ए का मान भी कितना प्राप्त हो गया हमारे पास, देखो ए का मान 1 प्राप्त हो गया। तो इस ए के मान को देखो, ए के मान प्राप्त हो गया, तो हम प्रथम पद के मान क्या रख सकते हैं, हम ए, हमारे पास क्या क्या मान निकल गया, हमारे पास हमारा जो मान है उसमें ए का मान भी प्राप्त हो गया हमें, सर्वांतर का मान भी प्राप्त हो गया। अब हमें ये दोनों चीज मुख्य था, देखो यहाँ पे प्रश्न में ए का मान पता हो और डी का मान पता हो तो हमें कोई भी मान निकाल सकते हैं, तो हमारे पास ए का मान भी आ गया, डी का मान भी आ गया। तो अब निकालते हैं 999 पद। 999 पद जो है, पद ज्ञात करना है, तो इसमें भी सूत्र लिखो, वही सूत्र है, ए प्लस एन माइनस वन और ये डी। तो 999 पद का मान दिया है क्या, नहीं तो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो जो मान दिया है, ए का मान अभी हमने 1 निकाला तो उसको 1 रख लो, एन एन माइनस वन का मान दिया, एन का मान क्या दिया है, हाँ दिया है, कौन सा पद है, जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं उस पद को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, 999 पद माइनस 1। और फिर डी का मान दिया है क्या, हाँ दिया है, डी का मान माने थे 1, ये आ गया। फिर आगे हल कर लो, अब यहाँ पे देखो ए का मान 1 है और ये कौन सा मान है, 999, तो ये कितना हो गया 998, और इंटू 1 करने पर उतना ही आएगा, और ये कितना हो गया 999। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 999 पदों का अंतर कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे लिखो 900 999 पद प्राप्त हो गया, ये हमारा 999 पद है, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 999 पदों या फिर 999 पद का अंतर कितना प्राप्त हुआ, 999 प्राप्त हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखो सेम प्राप्त हुआ, जैसे 99 पदों का अंतर कितना प्राप्त हुआ 99, उसी तरह से 999 पदों का अंतर 999 प्राप्त हुआ। अब हम जाते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में, तो प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं, इस क्यारी की अंतिम पौधे में अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब क्या ज्ञात करना है, कुल कितनी पंक्ति है, पंक्ति मतलब एनवा पद, तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, एनवा पद। तो इसको हल करते हैं, हल इसमें क्या आ गया है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यारी के बाद में, तो पहली पंक्ति, पहली पंक्ति में आपको लिखना है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति आपको लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, 23 पौधे, 23 पौधे, ये आपको लिखना है। हल लिखने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ पहली पंक्ति लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे लिखूंगा दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में कितना है, 21 पौधे, तीसरी पंक्ति में बताओ, तीसरी पंक्ति में है 19,
और अंतिम पंक्ति बोल रहा है यहाँ पे, अंतिम ले लेते हैं, अंतिम पंक्ति यह तीसरी दूसरी, ठीक है, दूसरी तीसरी अंतिम पंक्ति में है पांच पौधे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, लगातार घटते आ रहा है, और जब अंतिम पौधे में आया तो सिर्फ पांच पंक्ति ही, सॉरी पांच पौधे ही बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक श्रेणी के रूप में बांट लेते हैं। तो प्रथम पंक्ति में देखो 23 है, 23 हो गया श्रेणी में, दूसरे में क्या है 21 है, और तीसरे में क्या है 19 है। अब देखो इसके बाद क्या है, अंतिम पंक्ति डायरेक्ट दिया है, तो ये अंतिम पंक्ति में क्या निकल गया पांच। तो इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी बन गया, यहाँ पे लिख लो समांतर श्रेणी, ठीक है, ये क्या बन गया, अब एक समांतर श्रेणी बन गया। अब यहाँ से सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जब भी हमें इस तरह समांतर श्रेणी प्राप्त करते हैं तो समांतर श्रेणी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। देखो इसका प्रथम पद क्या था, यहाँ पे लिखो प्रथम पद, प्रथम पद बराबर कितना निकला 23। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा अगर हम लिखना चाहें तो द्वितीय पद भी लिख सकते हैं, चलो द्वितीय पद, प्रथम पद से हमें मतलब है द्वितीय का जरूरत नहीं होता है, फिर भी हम द्वितीय लिख रहे हैं, ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सार्वांतर निकालने की द्वितीय पद की जरूरत होती है, इसीलिए ऐसे इसकी ऐसे द्वितीय पद का कोई महत्व भी नहीं है ज़्यादातर, जब जब तक कि हम सार्वांतर ना निकालें, ठीक है, सार्वांतर निकालने तक ही इसका महत्व है। आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं सार्वांतर, हमें सिर्फ इस द्वितीय पद की जरूरत कब पड़ता है, जब हम सार्वांतर निकालें, ठीक है, सार्वांतर निकालते हैं, सार्वांतर को डी से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं बी माइनस ए, मतलब ये ए है तो ये बी हो गया, प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, तो क्या निकल गया, यहाँ पे आगे हल करते हैं, बी का मान कितना है 21 और ए का मान 23, तो 21 माइनस 23 कर दो तो कितना आ जाएगा, जब घटेगा तो इसमें 23 में तो 21 से 2, तो माइनस 2, और माइनस संख्या बढ़ रहा है तो माइनस 2, तो ये आ गया सार्वांतर। सार्वांतर के लिए देखो हमने दूसरे पद का उपयोग किया, इसलिए हमने दूसरा पद भी लिया। तो सबसे पहले हम क्या करें, प्रथम पद लिखेंगे, उसके बाद आप द्वितीय पद नहीं लिखना चाहते तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सार्वांतर को आपको लिखना है। दूसरा पद हमारा, दूसरा काम क्या रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें दूसरे में सार्वांतर का मान निकालना है, तो ये दूसरा हो गया सार्वांतर का। अब देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, अभी प्रश्न छोड़ दो, चलो हम और लॉजिक में जाते हैं, आपको आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन बनाना। प्रथम पद के बाद सार्वांतर निकाल ले, अगर द्वितीय को नहीं लिखना चाहते तो सार्वांतर भी आ गया हमारा। तीसरा रहेगा हमें क्या इनमें किसी पद का मान दिया हुआ, जैसे एन का मान दिया है क्या, एनवा पद, यहाँ पे देखेंगे एनवा पद दिया है क्या, दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं, तो इसे हमें ज्ञात करना है। हमें एनवा पद नहीं दिया है मतलब एनवा पद की संख्या नहीं दे, मतलब कौन सा पद है क्या हमें पता है, देखो प्रथम द्वितीय तृतीय अंतिम पद लिखा है, क्या ये लिखा है कि ये पांचवा पद है, कि ये दसवा पद है, कि ये बीसवा पद है, लिखा है नहीं, नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे इसको ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया कौन सा मान है, एक और मान है तो L का मान दिया है, तो L बराबर कितना दिया, अंतिम पद मतलब क्या है, जो मान दिया है अंतिम पद वो L का मान है, लेकिन पदों N का मान नहीं दिया है, तो L का मान कितना दिया है पाँच, तो ये अंतिम पद दिया हुआ, तो जो जो दिया है देखो इन पाँचों को देखो, एक दो तीन और चार, एक दो तीन चार, ये चार पॉइंट हमें हर क्वेश्चन में रखना है, जिसमें एक दो और तीन का मान दिया होगा इसमें इसको निकालना है, और जिसमें इनमें से किसी तीन का मान दिया रहेगा उनमें से एक मान को आपको निकालना होगा। अगर ये मान दिया है तो आप, अगर ये मान ये मान ये मान दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा, तो एल का मान निकालेंगे, अगर ये दिया है पहले को छोड़ दो, ये दिया है तो हम इसको निकालेंगे, अगर हमारे पास इसको छोड़ देते हैं तो एक दो तीन दिया है तो हम ये निकालेंगे, अगर हमारे पास ये और ये और ये दिया है तो हम ये निकालेंगे, तो सूत्र क्या है, सूत्र हमारा वही रहेगा। तो सूत्र लगाते हैं, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब लिख दो अंतिम पद का मान कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाहर में, तो ये एल, एल का मान कितना आ गया पाँच आ गया। अब देखो ए का मान कित कहाँ पे, ए का मान कितना है 23, तो 23 लिख दो, प्लस एन का मान कितना है
या एन का मान दिया है? नहीं, हमें उसे ज्ञात करना है, तो जीरो का तो लिख दो एन माइनस वन। और डी का मान दिया है क्या? हाँ, डी का मान हमने ज्ञात किया दो, तो ये दो ले लो। फिर आगे हल करो, ये 5 और 23, 23 जब इस पर आएगा क्या हो, चलो अभी उसी पर रख लो, थोड़ा देर बाद उसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 23 कोष्टक वाले को हल कर लो, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, गुणा हो गया क्या होगा, माइनस, तो माइनस 2n आ गया। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो ये प्लस 2 हो गया इस तरह से। अब हम आगे और हल करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जो 23 है इस पार पक्षांतर कर दो, तो 5 और ये इस पार आएगा माइनस 23 हो जाएगा। फिर इसको लिखो माइनस 2n और ये क्या है, प्लस 2 है। अब इसको भी 2 को इस पार पक्षांतर कर देते हैं, पहले इसको घटा लो, घटाते हैं कितना आ रहा है, 23 में 5 घटाएंगे तो 17, 18, 18 आ रहा है, तो ये 18 माइनस 18 हो गया। और ये इस पार आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 2, प्लस था तो माइनस हो गया, और ये क्या, माइनस 2n। अब देखो ये कितना हो गया, 20, माइनस 20 हो गया, और ये माइनस 2n। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो दोनों को काट देते हैं, तो ये कट गया, अब दोनों संख्या क्या बन गया हमारा, प्लस में आ गया। दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या अब हमें प्लस में प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 20 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 को नीचे डालो तो n का मान कितना आ गया, n बराबर 10। तो वो जो 5 जो आया था वो कौन से पद में बैठा हुआ है, 10वां पद में। n का मान कितना आ गया, 10 आ गया, तो कौन सा पद हुआ, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्यारी में कुल 10 पद हैं, 10 पद, या फिर 10 पंक्ति लिखो, या 10, ठीक है 10 पंक्ति लिख लो, 10 पंक्ति है, ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। 10वां